भागलपुर की सराय स्थित एक फिजिक्स के कोचिंग संस्थान के संचालक पर वहां पढ़ने वाली इंटर की छात्रा ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। छात्रा ने ततारपुर थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत की है कि उसने होमवर्क पूरी तरह नहीं बनाया तो टीचर ने क्लास में जाने से रोक दिया। दोबारा होमवर्क बनाकर घर से आए तब भी जाने नहीं दिया। इसके बाद हमने अपने कॉपी का एक पेज फाड़ कर वहीं छोड़ दिया जिसमें होमवर्क बना था। जब घर जाने लगे तो सर ने कहा, तुमको ज्यादा एटीट्यूड हो गया है, अगर क्लास करना है तो सभी साथियों के सामने स्टेज पर 50 बार उठक बैठक करो और सभी को सॉरी बोलो। हमने यह शर्त भी मान ली और उठक बैठक करने लगे। इस दौरान मेरी तबीयत खराब होने लगी और चक्कर आने लगा। क्लास के दूसरे छात्रों ने भी शर्म से सर झुका लिया लेकिन सर नहीं माने और उठक बैठक करवाते रहे। जब हम गिर गए तो मेरी दोस्त हमें बचाने आई तो उसे भी सर ने कहा कि हाँ जाओ उसे बचा लो नहीं तो मर जाएगी। इसके बाद हम लोग वहां से निकल गए। इस घटना के बाद हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए हैं और दोबारा क्लास जाने में भी डर लग रहा है। वहीं छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने टीचर को भी बुलवाया और थाने में माफीनामा लिखवाया कि आगे से इस तरह की घटना नहीं होगी। थाने पर भी पुलिस की मौजूदगी में टीचर का व्यवहार बेहद सख्त और अमर्यादित था। मानसिक रूप से वहां भी पड़ताड़ी कर रहे थे। हम आपको बता दें, वर्ष 2019 में सराय स्थित वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के संचालक ज्योति प्रकाश उजाला उर्फ जेपी उजाला पर कोचिंग की छात्रा ने होटल विनीत ले जाकर जबरदस्ती का आरोप लगाया था। छात्रा के बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस संबंध में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें धर्मवीर नाम का एक युवक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए अपनी बात एक शिक्षक से शेयर कर रहा था। जेपी उजाला के कोचिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स पहुंचे, वहां पर उनका पक्ष जानने की कोशिश किया लेकिन इस पूरे मामले पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम टीचर हैं, बच्चों को अगर नहीं मारेंगे तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। हमारे समाचार लिखे जाने तक थाने में आरोपी टीचर से पुलिस ने माफीनामा लिखवा लिया है। कल हम गए फिजिक्स क्लास 10 बजे, हम लोग का बैच होता है, हम गए, होमवर्क नहीं बनाए थे, 2 होमवर्क मिला था, एक बनाए थे होमवर्क, वो जो क्लासमेट चेक कर रहा था वो बोला सर नहीं बनाई है होमवर्क, तो सर क्या बोलते हैं, आप नहीं बनाए होमवर्क तो आप रूम जाइए, आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। हम रूम आ गए, फिर से यहाँ से होमवर्क बना के गए तो वो सर क्लास जा चुके थे बट हमको एंट्री नहीं दिए, क्या बोलते हैं नहीं जाने मिलेगा आपको, हम बोले प्लीज़ सर हमको जाने दीजिए, हम होमवर्क बना के आ गए, तो वो सर बोलते हैं नहीं नहीं जाने देंगे, तो हम पेज फाड़ के उस जगह रख के आ रहे थे, सर क्या बोलते हैं आप में ज़्यादा एटीट्यूड हो गया, आपको 1 साल तक क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, कोई माइक का लाल नहीं जब आपको एंट्री दे देगा, अगर करना है तो 50 बार उठक बैठक कीजिए और स्टेज पर आके सॉरी बोलिए। हम गए करते करते चक्कर आ गया, मेरा तबीयत खराब हो गया, फिर भी सर कुछ भी नहीं, हाँ किए थे, फिर भी सर मना नहीं किए, पूरे क्लास देखा है, हमको चक्कर आ गया फिर भी सर मना नहीं किए, पूरे करने के बाद क्या बोलते हैं अब आप जाइए, ना ही तो हमको किसी को बोले कि पानी भी दे दो कुछ भी दे दो, हम रो रहे थे सर, एक बार हमको कुछ बोले भी नहीं, आप ठीक है, तबीयत खराब भी लग रहा, ये बोल रही थी तो बोले आप ये मर रही है क्या, तुम बचाएगी आके बचा लो, ऐसा बोले हमको। क्या देखे थे? हम दोनों क्लास गए मतलब थोड़ा सा लेट हो गया उस दिन, तो हम मतलब ऐसा था कि अगर क्लास एक दिन भी छूटेगा तो अगले दिन नहीं करने देगा, सर का मन होगा तो ही हम लोग को, जिस दिन होगा सर का मन कि हाँ अब है इन लोग करने देते तभी करने देंगे, वैसे नहीं तो नहीं, तो इसलिए हम लोग सोचे कि अगर लेट भी हो जाता लेकिन क्लास अबसेंट नहीं करेंगे जाएंगे। उसका मतलब इतना कुछ होने के बाद उसका मतलब पूरा तबीयत खराब हो गया और अच्छे से पढ़ भी नहीं पाई जब से रूम आई, उसका पैर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, वो 2 दिन से रो रही थी दर्द की वजह से, बहुत ज़्यादा दर्द से रो रही थी, अभी तक उसका पैर ठीक नहीं हुआ है और पढ़ाई भी नहीं उससे हो पा रहा है, बार बार सोच रही है कि मतलब इतना सारे बच्चे के बीच में इसे करवाएं सर, एक बार भी बोले नहीं कि जाओ ठीक हो कि क्या हो, कुछ नहीं, नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं पूछे कि हाँ आप ठीक हो कि नहीं हो। भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सांसद अजय मंडल ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों पर भड़क गए, उन्होंने कहा कि निरीक्षण में पाया गया कि अस्पताल अभी उद्घाटन करने के लायक नहीं है, उद्घाटन की घोषणा हो चुकी थी जिसके बाद सांसद अजय कुमार मंडल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे लेकिन निरीक्षण में उन्होंने खामियां देखी, इसके बाद उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यहां अभी डॉक्टर की पदस्थापना नहीं हुई है तो इसका उद्घाटन कैसे कर दें, अभी उद्घाटन करने के लायक नहीं हुआ है। हालांकि अधिकारी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, जल्द ही यहाँ डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, इसके बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि लगातार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन की तारीख पर तारीख बढ़ रही है। हम देख करके निरीक्षण किए, हमसे ज़्यादा तो आप लोग प्रेस हैं, आप लोगों का भी कैमरा का जो आँख है क्या बता रहा है कि निरीक्षण करने लायक है, बताइए, आप लोग भी बताइए, देखिए हम तो आप पर भी डिपेंड हैं,
यहाँ निरीक्षण के करने के बाद ये एहसास होता है कि उद्घाटन के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है। अगर यहाँ उद्घाटन करवा दिया जाता है तो सिर्फ रोगियों को मौत के घाट उतारने के अलावा यहाँ कुछ नहीं बचेगा। मेन पावर यहाँ डॉक्टर हैं, कंपाउंडर्स हैं, नर्सें हैं, वो किन्हीं का भी पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो चूंकि सुपर स्पेशलिटी जनता के जैसे आपके माध्यम जनता को पता लगेगा तो जनता यहाँ उम्र पड़ेगी, क्योंकि बीमारियों का जो घर है इलाज अच्छे इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल का खोज करेंगे तो उसमें भागलपुर ज़िले में सबसे अच्छा हॉस्पिटल यही है। यहाँ मेन पावर और डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, नर्सें नहीं मिलेंगे तो उनकी इलाज क्या होगा। और यहाँ का जो विधि व्यवस्था सामान वगैरह जो लगा है यंत्र वो भी अपनी अवस्था में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। वो मामला था क्या कि यहाँ से जो था जो सफाई कर्मी वहाँ मेरे हॉस्पिटल में कर रहे थे उनको यहाँ के लिए सुपुर्द किया गया था कि आप वहाँ फिलहाल सफाई कीजिए। जो एजेंसी वहाँ काम कर रही थी उन्होंने आकर के यहाँ कुछ लोगों को अपने काम पर लगा करके 300 आदमी के आँख में झांसा दे करके उनसे पैसा ठगी कर लिया कि आपको मैंने अपने इस एजेंसी में रखूँगा। पहले तो उनको पैसा लेने के एक किसी भी सूरत में नहीं था, फिर भी 300 लोगों से पैसा ले लिया कि मैं आपको यहाँ बहाल कर दूँगा सफाई कर्मी को। ये तो बहुत बड़ा अपराध किया, जघन अपराध किया। बड़ा आज निरीक्षण किया गया है, अभी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, डॉक्टर और अन्य स्टाफ की पदस्थापन करने के लिए हमने ओएस को बोला कि पत्राचार करें और जो भी 8 यूनिट से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है फुल फ्लेजेज स्थिति में नहीं है। आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू फुल फ्लेजेज है फिर भी वहाँ कितना प्रकार के इशू है, तो यह भी कमी है। उद्घाटन हो जाने करना नहीं करना तो यह प्रबंधन डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड करेंगे, है ना, लेकिन अभी कमी है। भागलपुर में कोसी नदी ने ऐसा रौद्र रूप अपना लिया है, प्रतीत होता है अपने साथ ही सब कुछ बहा ले जाएगी। सौ सौ करती तेज धारा और कोसी के विकराल रूप के सामने किसी की नहीं चल रही। जिले के खरीक प्रखंड अंतर्गत सिहकुंड गांव में कोसी ने तांडव मचाया है। जब जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने तेजी और मजबूती से कटावरोधी कार्य नहीं करवाया, घर और जमीन कटकर कोसी में समाने लगे तो यहाँ की महिलाएं हर दिन कोसी किनारे बैठकर गीत गाकर उनसे आरजू विनती कर रही है। महिलाएं कोसी नदी को शांत हो जाने का आग्रह कर रही है। सरकार से तो हम यही विनती करते हैं कि कटाव निरोधक कार्य किया जाए, लेकिन बार बार तो हम सब लोग का 2019 से कट रहा है, लगभग यहाँ से 250 घर पलायन कर चुका है अभी तक में, और इस बार भी 20-25 घर कट चुका है। प्रावधान हुआ था, लिस्ट भी जारी हुआ था, लेकिन अभी तक एको को नहीं मिला, फिर 17 को लिस्ट भेजा है, मिलेगा तब ना, लिस्ट रहने से क्या होगा। हम लोग को इलेक्शन से पहले भी बोला गया था कि बीज धार को जैसे भी से कटवा देंगे, सिकुंड का एक भी घर नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ तो हमारे गांव का अस्तित्व खतरे में है, लगभग 150 घर कटाव के मोहने पर भी है, कानों में बात जारी, लेकिन न तो अभी तक हमारे विधायक जी और न तो सांसद जी लगते उनके उनके कौन तक अभी लगते उनके कौन तक खबर नहीं पहुंचा है। आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा भागलपुर की महापौर से मुलाकात किया गया। इस दौरान कमेटी द्वारा लिखित रूप से होने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर जानकारी देते हुए आवेदन दिया गया, जिसमें नगर निगम के द्वारा साफ सफाई एवं लाइटिंग, जलापूर्ति के लिए टैंकर, मेडिकल टीम की व्यवस्था, साफ सफाई एवं शौचालय, वाहन की व्यवस्था के साथ बैरिकेडिंग एवं अन्य समस्याओं पर विशेष चर्चा की गई। वहीं संबंध में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने मुहर्रम त्योहार पर नगर निगम के द्वारा सारी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि में संयोजक डॉक्टर फारूक अली, संरक्षक डॉक्टर मजहरकर, सह संयोजक डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन, सह संयोजक महबूब आलम, रिनू सिंह, जुम्मन अंसारी, निजात अंसारी, सैफुल्ला अंसारी, जाबिर अंसारी आदि मौजूद थे। आज शांति समिति का बैठक था मुहर्रम को लेकर, तो इसमें चर्चा हुई कि शहर में जहाँ से वो पैकर निकलेंगे, मेन चार जगह है, और उस जगह के सफाई व्यवस्था और बिजली का जो भी प्रावधान है वो सबको दुरुस्त किया जाना है। जहाँ से पैकर गुजरेंगे उस रोड को समतल किया जाना है, उस सब पर चर्चा हुई, और इन सारी मुद्दों पर चर्चा होकर के निष्कर्ष यही निकला कि इस बार मुहर्रम में जो भी चीज़ें पहले नहीं होती थी वो सब होगा, और जहाँ जहाँ पे जो असुविधा इन्होंने बताया इन लोगों ने उन सबको पूरा किया जाएगा। एक मेन जगह है ततारपुर में जो हमारे डिप्टी मेयर साहब के संज्ञान में भी है, उसके लिए उन लोगों का कहना था कि वो दुरुस्त कराना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम लोग लगेंगे और उसको जितना जल्दी हो उसको करवा लेंगे। मुहर्रम की बैठक मेयर साहब ने बुलाया और मुहर्रम के सिलसिले में बात हुई और बहुत अच्छा प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है
एक तो मेला मैदान सजंगी बहुत ही बुरी स्थिति में है, मतलब पुल पर जो लाइट जो है हाई मार्क जो लाइट लगा हुआ था वो नहीं जल रहा है, साफ़ सफाई जो है मौलाना चक और आपके हुसैनाबाद में बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ के लोग काफ़ी आज थाना में भी मौजूद थे और काफ़ी हल्ला हंगामा किया कि हम लोग पैकर जो दौड़ेगा तो किस तरह से दौड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि मेयर साहब ने जो आज डिसीजन लिया है, अगर कम टाइम में अगर इसमें कुछ काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो मुहर्रम में जो समस्याएं होती हैं जैसे रोड नाला और कहाँ पर पानी की आवश्यकता है, इन सारी बातों पर मेयर साहबा और प्रभारी नगर आयुक्त साहब के बीच सारी बातें हुई हैं और इस बार हम लोग सीरियस हैं, मेयर साहबा भी सीरियस हैं कि जो काम पूर्व नहीं हुआ करता था वो इस बार ज़रूर दिखेगा। इसके ताज़ा मिसाल अभी वहाँ पर एक पुलिया टूटा हुआ था जिससे अखाड़ा पैकर सारे लोग जाते, लेकिन उसको चार ही दिन में वहाँ के पार्षद के द्वारा मेहनत करके वर्षा होती रही फिर भी बनाया। तो आगामी जो 7 तारीख से यहाँ पर सिया का मातम भी होगा, पैकर दौड़ेंगे, अखाड़ा निकलेगा, तो जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है वो मेयर और यहाँ नगर प्रभारी नगर के संज्ञान में दिया गया है और मेयर साहब एकदम दृढ़ संकल्प है कि इस काम को कराएंगे और हम समझते हैं जब इतने मौसम में इरादा है तो इस त्यौहार में सारा काम होगा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में NHM कर्मियों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के बैनर तले NHM कर्मियों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे कर्मियों ने अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने पर कार्य में हो रही परेशानी और NHM को अब तक नियमित नहीं किए जाने का आरोप बिहार सरकार पर लगाया है। वहीं भागलपुर जिले के सभी NHM कर्मियों द्वारा निश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के बाद से आम लोगों को अस्पताल में काफी
भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे नचम कर्मियों की सरकार से मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। फेशियल अटेंडेंस सिर्फ एनएचएम कर्मियों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए लागू होना चाहिए। साथ ही दैनिक मानदेय और भत्ता में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अस्पताल में पानी पीने की सुविधा सहित कई विभिन्न मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों ने आंदोलनकारी प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए कर्मियों ने बताया कि बिहार में कई ऐसे अस्पताल है जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी रहती है, जिससे फेशियल अटेंडेंस में काफी परेशानी होती है। समस्या नेटवर्क के कारण होती है, लेकिन उपस्थिति हम लोगों की अब्सेंट कर दी जाती है। वहीं कई रेफरल अस्पतालों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, जिससे बिना पानी के प्यासे ही पूरा दिन काम करना पड़ता है। साथ ही कहा कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक के आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण से लेकर के सभी सरकारी कार्यों को बखूबी संपादित करते हैं। उसके बाद भी हम लोगों का मानदेय एक दैनिक मजदूर से भी कम है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाने के लिए सरकार की ओर से एनएचएम कर्मियों को भत्ता तक नहीं मिलता है, जिससे सभी कर्मियों की माली हालत भी ठीक नहीं रहती। इतनी कम सैलरी में एनएचएम कर्मियों को अपना घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के बैनर तले एनएचएम कर्मियों ने 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। वहीं इन कर्मियों के हड़ताल पर जाने से RI, NHD, टेलीमेडिसिन, RCH सहित उप स्वास्थ्य केंद्रों पर OPD सेवा बंद हो गई है, जिससे अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें कि हम लोगों को 3 बार अटेंडेंस देना पड़ रहा है, 1 बार 9 बजे, 1 बार 5 बजे और बीच में किसी भी टाइम। और हम लोगों का जो पोस्टिंग है वो ग्रामीण इलाके में, जहाँ की नेटवर्क की बहुत असुविधा होती है, नेटवर्क नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग वहाँ लेट से पहुँचते हैं तो हमारा वेतन भी काट लिया जाएगा और हमें अनुपस्थित माना जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है ना, पहले इस चीज़ को बंद किया जाए और पहले हम लोगों को सुविधा दिया जाए, क्योंकि हमारे सेंटर पे ना तो वहाँ पे कोई क्या कहते हैं कर्मी रहता है, ना ही बिजली है, ना ही पानी है, ना ही कोई हम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड रखा गया है। तो हम लोग 5 बजे तक वहाँ कैसे बैठेंगे सेंटर पे? पहले वो मूलभूत सुविधा हम लोगों को दी जाए, फिर जा करके हम लोग अटेंडेंस देंगे। लोग हमारे जो बेसिक सुविधाएं वो हमें नहीं दी जा रही हैं, जैसे कि हमारे सेंटर पे पीने के पानी की सुविधा है, बाथरूम की सुविधा है, जो चीज़ हमें नहीं दी जा रही है। उसके साथ साथ हम लोग को 5 महीने से सैलरी भी नहीं दी जा रही है, और हम लोग जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। हर चीज़ का प्रेशराइज किया जाता है, जैसे कि हम लोग सेंटर पे कार्य कर रहे थे, बीच में उनके BC मीटिंग हो जाती है। हम BC मीटिंग दे या काम करें तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाती हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से इतना ज़्यादा प्रेशर किया जाता है काम के लिए कि हम लोग मेंटली इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। नियमित नहीं किया जाएगा या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम धरना प्रदर्शन ऐसा चलता रहेगा। हम यहाँ भी जिला लेवल पे कर रहे हैं और कुछ दिन में हम लोग पटना भी जाएंगे, वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और जब तक हम लोगों की जो मांगे हैं वो नहीं पूरी की जाएंगी, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीनगर ठाकुरबाड़ी स्थित गली के नजदीक संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला। घटना की सूचना पर आसपास के लोग व स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर हरिजन टोला चमरटोली निवासी मृतक बोधा के परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि 6 महीना पहले किसी का टोटो चोरी करने के बाद यह फरार चल रहा था और नशा करने की इसकी पुरानी आदत थी। शायद नशे की हालत में यह नाले के समीप पड़ा हुआ था। मौके पर स्थानीय पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। भाई 5-6 महीने से घर से फरार थे सर, और आज सुबह 10:30 बजे वहीं पर बगल बगल का आदमी फोन किए, क्या देखिए नहीं यहाँ पे आपके का मोहल्ला का एक टोटो वाला है जो कि उनका बॉडी वो लुघड़ा हुआ नाली में नशा में। अच्छा। हम लोग गए घर से सबको मिल के देखने के क्या बात है, वहाँ गए तो ख़त्म हो गए थे सर। फिर बबरगंज थाना से पुलिस आए, वही बोले कि चिराग घर लेके जाना है, नाले में दोनों पैर था और सिर ऊपर ही था। 6 महीना से काहे लापता रहते थे आपके भाई? यही डर से कभी किसी का बैटरी चुरा लिया, कभी किसी का गाड़ी चुरा लिया, चोरी चमारी भी करता। हाँ, थोड़ा ऐसा ऐसा भी काम करता था, डर से नशा भी करता था। हाँ, नशा तो सर दारू ही पीता था। तो नशे में ही नाला में गिरा हुआ मिला? जी सर, नशे के चलते। वहाँ पे बगल अगल बगल पूछे तो बोला कि कल रात सामने से यहाँ पे पड़ल है और चिल्ला रहा था पूरा, ऐसा लगता था कुछ खा लिया है, और जो है कि कोई बोला कि हम नशा में पूरा था। शादीशुदा है? जी सर, 3 बच्चे हैं।
सुल्तानगंज के अजगेवी नाथ धाम में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर एसडीओ धनंजय कुमार, सीओ रवि कुमार, बीडीओ संजीव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने नमामि गंगे घाट पर बने उद्घाटन स्थल एवं अतिक्रमण को लेकर कावरिया मार्ग एवं गंगा घाट का निरीक्षण कर जायजा लिया। साथ ही माइकिंग कर नाले के अंदर दुकान लगाने पर एवं अतिक्रमित जगहों से दुकान हटाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान एसडीओ धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला को लेकर कावरिया मार्ग एवं गंगा घाट का निरीक्षण किया गया है। गंगा घाट में लगने वाले चौकी दुकानदारों के लिए मार्किंग स्थल पर चौकी लगाने की अनुमति दी जाएगी। चोरी की घटना को लेकर हाई क्वालिटी का कैमरा लगाया जाएगा। पार्किंग स्थल के लिए पहले की तरह इस वर्ष पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। एक वर्ष क्या होता है कि हम लोग मार्किंग करवा देते हैं और आप लोग को यहाँ की पद्धति पता है कि चौकी लगाकर यहाँ पे पूजा करवाया जाता है, उसकी मार्किंग हो जाएगी प्रॉपर, तो मूवमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। और इसी के लिए नगर परिषद के जो ये साहब हैं उनको निर्देश पहले से है और वो इसका काम आज वो करवा लेंगे। देखिए गंगा का जलस्तर को लेके हम लोग प्रत्येक वर्ष, चूँकि आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे पानी बढ़ता है और हम लोग की टीम जो है, जो फ्लड कंट्रोल की टीम है, उस मुताबिक तैयार रहती है। हम लोग लगातार बैरिकेड शिफ्ट करते हैं और उसी मुताबिक घाट का भी इस्तेमाल होता है। आप लोगों को पता है कि जैसे श्री घाट में पानी पूरा जब आ जाता है तो जो दक्षिण वाहिनी गंगा का जो घाट है फिर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से इस बार भी जैसे जैसे पानी भरेगा घाट का इस्तेमाल। देखिए इस बार हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा जो कि नाइट विजन के साथ रहता है उसका भी डीएम सर के निर्देश पे इस बार हम लोग उसको लगवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अस्थाई थाना का निर्माण होता है, आप लोग को जानकारी है, और लगातार ऐसी कोई समस्या आती है तो तभी पे कार्य लगा दिया गया है। अभी जैसे कि एनएच का जो रोड है उसमें एनएच की टीम के द्वारा जो भी पोर्शन जहाँ पे अभी तक रोड को नहीं तोड़ा गया है, जो पुराना ब्लैक टॉप रोड है, उसका लेवलिंग का काम कल से शुरू हो गया। आप लोग कल पोस्ट ऑफिस रोड वाला पे काम हुआ है, अभी और आगे फर्दर मस्जिद से लेकर पूरा हमारे जो घोरघट तक है, जहाँ जहाँ पे भी रोड ठीक नहीं है वहाँ पे काम करवाया जाएगा। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। स्थापना दिवस के मौके पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और दरभंगा के कुलपति के साथ साथ भागलपुर के सांसद, स्थानीय विधायक, एमएलसी, मेयर, एसपी एवं पूर्व कुलपति, कई वीआईपी गेस्ट मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों और कर्मियों के साथ कार्यक्रम को सम्पन्न किया गया। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी की देन है भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय। स्थापना दिवस के मौके पर मंच पर ध्वजारोहण, तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि सम्मान समारोह सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बहुत सारी घोषणाएं हैं 65वें जो स्थापना दिवस से विश्वविद्यालय का, उस पर सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने इसकी पूरी तैयारी काफ़ी धूमधाम से रखी है, चूँकि स्थापना दिवस इस विश्वविद्यालय के फाउंडेशन को बतलाता है, इसकी नींव कितनी मजबूत थी। आप समझ सकते हैं कि यह जो विश्वविद्यालय है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ही प्रसाद है, देन है, जो भी आप उपहार है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका नींव डाला गया है, उसकी मतलब जो ऊपर की जो चीज़ें हैं वो कितनी बुलंद होगी। विश्वविद्यालय का नाम पिछले 65 सालों में जो भी हमारे कुलपति आए या जो भी हमारे शिक्षक जो आए, उन्होंने पठन पाठन को ठीक किया, व्यवस्था को ठीक किया। और पिछले 64 साल में जिन कुलपतियों ने आया या जो भी स्थापना काल से जिन लोगों ने इसका, जो शिक्षक ने पठन पाठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसके कारण ही इसका नाम देश और विदेश में हुआ।